आज सारे लोग बॉक्सिंग देखने के लिए बॉक्सिंग क्लब आए हुए हैं, क्योंकि आज मॉन्स्टरों और पहलवानों के बीच बॉक्सिंग होने वाली है। सारे मॉन्स्टर्स और पहलवान लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन पता नहीं बॉक्सिंग कब शुरू होगी। सारे मॉन्स्टर्स खड़े खड़े थक जाते हैं, तभी उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है, अरे अब और कितनी देर हमें खड़े रखोगे। मॉन्स्टर की ये बातें सुनते ही मैनेजर रॉड से कहता है, अरे आप लोग ऐसे खड़े खड़े क्या बातें करने में लगे हैं, जाइए जाइए अब अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाइए, क्योंकि अब बॉक्सिंग स्टार्ट होने वाला है। मैनेजर की ये बात सुनकर स्काइलर मैनेजर से कहता है, हाँ हाँ हम लोग बैठ जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा 5 मिनट वेट कर लीजिए, हमारे बाकी के दोस्त आ ही रहे हैं। मैनेजर कहता है, ठीक है तुम लोगों को जिसे भी बुलाना है थोड़ा जल्दी बुलाओ, तब तक इन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ। तभी इधर दो मॉन्स्टर आपस में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। सारे लोग बैठकर मॉन्स्टर्स को ही देख रहे थे, तभी इन लोगों को किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ तो गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा आ चुके हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा जीप से उतरकर बॉक्सिंग रिंग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सोन कहता है, अरे तुम लोग हमारे आने का भी इंतजार नहीं किया। तभी रॉड कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी तक बॉक्सिंग शुरू नहीं हुआ, ये मॉन्स्टर तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। रॉड की ये सब बातें सुनकर बाबा कहते हैं, अरे रॉड छोड़ो ये सब बातें, चलो बैठकर आराम से बॉक्सिंग देखते हैं, तुम भी क्या ये पागल सोन की बात को लेकर बैठ गए। बाबा की ये बातें सुनते ही सारे लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और मॉन्स्टर्स की फाइट को देखने लगते हैं। अरे ये क्या, इसने तो सिंह वाले मॉन्स्टर को किक लगा दिया। सिंह वाले मॉन्स्टर को मार खाता देख सोन को बहुत मजा आता है और सोन जोर जोर से ताली बजाने लगता है। पहलवान सिंह वाले मॉन्स्टर को मारकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लगता है इस पहलवान ने सिंह वाले मॉन्स्टर को हरा दिया है। तभी वो सिंह वाला मॉन्स्टर लड़ने के लिए फिर से खड़ा होने लगता है और फिर अचानक से वो पहलवान के ऊपर हमला कर देता है। पहलवान को जैसे ही किक लगता है वो बॉक्सिंग रिंग के बाहर जाकर गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया, ये तो पूरा खेल ही पलट गया और पीछे मोटू भी। ये देखकर सोन कहता है, अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो पहलवान ही पिट गया इस मॉन्स्टर से। सोन की ये बात सुनकर गुल्ली सोन से कहता है, क्या हुआ सोन तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो। सोन कहता है, कुछ भी तो नहीं गुल्ली, मैंने कहाँ कुछ कहा। वो पहलवान फिर से उठकर खड़ा होता है और मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है। मॉन्स्टर कहता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम मुझसे हार चुके हो। पहलवान कहता है, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना मैं चला जाऊंगा। तभी मैनेजर पहलवान से कहता है, ये ठीक कह रहा है, तुम बॉक्सिंग रिंग के बाहर गिरकर हार चुके हो, तुम अब यहाँ से चले जाओ। मैनेजर की ये बात सुनकर पहलवान कहता है, ठीक है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगा, ठीक है मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो पहलवान लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। मैनेजर मॉन्स्टर से पूछता है, क्या तुम दूसरे पहलवान से लड़ने के लिए तैयार हो। मॉन्स्टर कहता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बोलो अब किसको मेरे हाथों से मार खाना है। मैनेजर इशारा करके दूसरे पहलवान को बॉक्सिंग रिंग के अंदर आने को कहता है। मैनेजर की ये बात सुनते ही एक पहलवान जंप करके बॉक्सिंग रिंग के अंदर कूद जाता है और फिर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, पहलवान ने तो मॉन्स्टर को किक लगा दिया। ये देखकर सोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पहलवान सिंह वाले मॉन्स्टर को पटक पटक कर मारता है, जिससे कि मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि अब ये मॉन्स्टर दोबारा नहीं उठेगा। मॉन्स्टर को पीटने के बाद ये पहलवान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर तो फिर से खड़ा होने लगा। अरे ये क्या, मॉन्स्टर ने तो फिर से अचानक से उछलकर पहलवान पे हमला कर दिया। पहलवान को मॉन्स्टर के हाथों से पीटता देख मोटू पहलवान वहां से भाग जाता है। मैनेजर मोटू पहलवान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता है। मैनेजर कहता है, अरे ये तो डरपोक निकला। तभी वो सिंह वाला मॉन्स्टर मैनेजर से कहता है, बोलो अब कौन लड़ेगा मुझसे, कोई है भी या सबके सब डर गए मुझसे। मॉन्स्टर और मैनेजर आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सोन मॉन्स्टर से कहता है, तुम इन लोगों को मारकर इतना खुश क्यों हो रहे हो, दम है तो हमारे बाबा से लड़कर दिखाओ। सोन की ये बात सुनकर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोन से कहता है, ठीक है भेज दो मार खाने के लिए बॉक्सिंग रिंग के अंदर, मैं भी देखता हूँ कौन है तुम्हारे बाबा। तभी वो पहलवान बॉक्सिंग रिंग के अंदर उठकर खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर पहलवान से कहता है, अभी और मार खाना है क्या तुम्हें। पहलवान कहता है, अरे नहीं नहीं मैं हार मानता हूँ तुमसे। ये कहकर पहलवान बॉक्सिंग रिंग के बाहर चला जाता है। और इधर बाबा सोन से कहते हैं, अरे सोन मैं तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्सिंग देखने आया था, बॉक्सिंग करने नहीं। मॉन्स्टर बाबा से कहता है, क्यों क्या हुआ बाबा, मुझसे डर गए क्या। बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, अरे नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, बस आज मेरा लड़ाई झगड़ा करने का मूड नहीं है। ये सब सुनकर रॉड मैनेजर से कहता है, तुम अपने मॉन्स्टर को समझा लो, ये क्या बकवास किए जा रहा है। तभी बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, अरे गुल्ली बुल्ली तुम लोग अभी तक यहाँ पे बैठे क्यों हो, बॉक्सिंग तो खत्म ही हो चुका है, चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। मॉन्स्टर बाबा से फिर से कहता है, क्यों बाबा मुझसे लड़ोगे नहीं क्या, ठीक है जाओ जाओ मैं समझ गया तुम मुझसे डर गए हो। सोन कहता है, अरे तुम बहुत देर से बकवास किए ही जा रहे हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर सोन बॉक्सिंग रिंग के अंदर कूद जाता है। अरे ये सोन क्या करने जा रहा है। बाबा कहते हैं, अरे सोन ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी बाहर आ जाओ।
सोन बाबा की तरफ देखता है और कहता है, बाबा आप टेंशन मत लीजिए, इस मॉन्स्टर को अपनी ताकत पे बहुत ज्यादा घमंड है, मैं इसका घमंड तुरंत ही झाड़ कर आता हूँ। अरे ये क्या, मॉन्स्टर ने तो सोन को जोरदार किक लगा दिया जिससे कि सोन बॉक्सिंग रिंग के बाहर दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। आखिर सोन ने इस मॉन्स्टर से लड़ने का क्यों सोचा? तो दोस्तों, क्या बाबा इस मॉन्स्टर से फाइट करेंगे, ये सब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।